Good morning, my dear kids. How are you all? I hope you all are fine and well at your home. Today we are going to do story number 7 of your school cinema book. So take your school cinema book and open page number 29. Okay, kids, page number 29. Be quiet, Pikuli. The sound of slipping snores echoes in the early hours of the morning. Early hour of the morning में क्या है, पिकुली को एक सोते सोते एक साउंड सुनाई देता है. पिकुली एंटायर फैमिली, द ग्रोस फैमिली, स्पाइडर, फ्रॉग एंड अदर आर फास्ट असलीप. कब उसको सुनाई देता है, जब सारे सो रहे होते हैं, उसकी फैमिली भी, मदर, ग्रोस भी, स्पाइडर, फ्रॉग सब सो रहे होते हैं. तब पिकुली को क्या है, एक आवाज़ सुनाई देती है. पिकुली वेक्स अप ड्रीमिंग, ही इज़ प्लेइंग अ गिटार फॉर एन ऑडियंस. पिकुली क्या है, सपने में क्या कर रहा होता है, गिटार बजा रहा होता है और सारे उसको देख रहे हो. ओके किड्स, नेक्स्ट आता है, पिकुली वॉन्ट टू ट्राई टू बिकम म्यूजिशियन. पिकुली क्या है, ट्राई करता है म्यूजिशियन बनने की. वाइल इन बेड ही स्टार्ट विसलिंग, वो बेड पर ही विसल बजानी शुरू कर देता है. दिस वेक अप ब्रदर एंड सिस्टर बर्ड. अब ब्रदर और सिस्टर बर्ड क्या है, उसकी आवाज़ सुनकर उठ जाते हैं. दे वॉन्ट टू स्लीप एंड गेट अनोड विद हिम, ही लीव्स द रूम. वो क्या, दोनों उस पर गुस्सा करते हैं क्योंकि वो सोना चाहते हैं. ही लीव्स द रूम. पिकुली क्या है, रूम छोड़कर बाहर आ जाता है. पिकुली डिसाइड टू ईट समथिंग. पिकुली अब डिसाइड करता है कि कुछ खाया जाए. ही गोज टू द डाइनिंग रूम एंड पुट्स सम सीड्स ऑन अ प्लेट. अब वो क्या है, डाइनिंग रूम में जाता है और कुछ सीड्स प्लेट में डालता है. डिस्कवर ही कैन मेक अ साउंड ऑन द प्लेट विद हिज बीक. अपनी चोंच से वो क्या है, प्लेट पर ऐसे ऐसे चोंच कर अपनी चोंच से क्या है, साउंड बजाना शुरू कर देता है. ही देन टेक टू मेटल लीड एंड बैंग देम टुगेदर टू क्रिएट अ न्यू बीट. अब वो क्या है, मेटल लीड लेता है और उन दोनों को बजाना शुरू कर देता है एक नई बीट के लिए. दिस वेक अप एवरीवन एट द होम. ये आवाज़ सुनकर सारे उठ जाते हैं. फादर बर्ड पुट्स पिकुली ऑन द ब्रांच आउटसाइड बिकॉज ही इज़ मेकिंग टू मच नॉइस. अब पिकुली के फादर क्या है, उसको क्या है, ब्रांच से बाहर जाने को कहते हैं क्योंकि वो क्या है, सबको उठा रहा है बहुत ज़्यादा आवाज़ करके. एज पिकुली होप्स थ्रू द फॉरेस्ट ही हियर्स फैसिनेटिंग बीट्स. अब उसको क्या है, एक बीट सुनाई देती है, सुंदर सी आवाज़ सुनाई देती है जब वो जंगल में जा रहा होता है. ही फॉलो द म्यूजिक एंड सी वुड पेकर प्लेइंग डिफरेंट बीट्स विद हिज बीक ऑन ए ओल्ड कार. अब क्या कर रहा होता है वुड पेकर, क्या वो देखता है उस आवाज़ को फॉलो करता है और क्या देखता है वुड पेकर, क्या है, अलग अलग आवाज़ें बजा रहा है ओल्ड कार पे अपनी चोंच को मार के. ही इज़ एक्साइटेड एंड जॉइन वुड पेकर. वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वुड पेकर को ज्वाइन करता है. ही लर्नस हाउ टू प्ले म्यूजिक बीट एंड प्ले इन रिदम. वो अब सीख जाता है कि कैसे म्यूजिक की बीट को बजाया जाता है रिदम के अंदर. इन अ वाइल द लाउड म्यूजिक स्टार्ट टू डिस्टर्ब पिकुली. अब क्या है, ज़्यादा म्यूजिक होने की वजह से पिकुली क्या है, डिस्टर्ब कर देता है. बिसाइड ही सीम्स ट्राइड वुड पेकर टेक्स पिकुली होम एंड मदर बर्ड्स पुट पिकुली टू बैट. वुड पेकर कम बैक विद ईयर प्लग फॉर पिकुली, विद द ईयर प्लग ऑन पिकुली. पिकुली कैन रेस्ट पीसफुली. अब क्या होता है, पिकुली को वो क्या है, अपनी उसकी मदर के पास छोड़ के आता है वुड पेकर और वुड पिकुली की मदर क्या है, उसको बेड पर ले जाती है रेस्ट करने के लिए. डैट नाइट पिकुली एंड वुड पेकर एंड पिकुली परफॉर्म फॉर एवरीवन. उस रात को क्या है, सारे क्या है, पिकुली और वुड पेकर क्या है, सबके लिए परफॉर्म करते हैं. डेडिकेटेड पिकुली इज थ्रिल टू प्ले विद वुड पेकर एंड द ऑडियंस हैज़ अ ग्रेट टाइम. अब पिकुली क्या है, वुड पेकर की तरह गाना बजाना सीख जाता है और ऑडियंस सारे और सबके लिए क्या है, ये एक ग्रेट टाइम माना जाता है. ओके किड्स, अब हम इसकी वीडियो देखेंगे.
ओके किड्स, आपने इसकी मूवी देखी। अब हम इसकी वर्कशीट करेंगे। सर्कल वर्ड पिकुली यूज टू क्रिएट म्यूजिक बीट। म्यूजिक बीट क्रिएट करने के लिए उसने किस किस का यूज़ किया था, प्लेट का यूज़ किया था, तो हम इस वाले पे सर्कल करेंगे। और ओल्ड कार का यूज़ किया था वुड पेकर के साथ, तो हम इस पे भी सर्कल करेंगे इन दोनों पे। नेक्स्ट पेज देखो, हाउ इज पिकली फीलिंग इन ईच पिक्चर। इस पिक्चर में मोटिवेटेड किस पिक्चर में है वो, टायर्ड किस पिक्चर में है, और ओवरजॉयड किस पिक्चर में है। ऊपर वाली पिक्चर में ओवरजॉयड है ये, तो इसको हम ऊपर वाले के साथ मिलाएंगे। यहाँ आता है अपसेट, मोटिवेटेड, टायर्ड। ओके किड्स, नेक्स्ट पेज देखो बेटा। गिवन बिलो आर डिफरेंट शेप्स, ईच शेप्स शुड बी कलर्ड इन द सेम कलर। बहुत सारी शेप्स आपको दी हुई हैं और ये कलर भी दिए हुए हैं, तो ये पेज आप अपने आप करोगे बेटा। सर्कल में आपको रेड कलर फिल करना है, जहाँ जहाँ पर भी सर्कल है वहाँ आपको रेड कलर फिल करना है। ओके बेटा, येलो कलर आपने करना है ट्रायंगल शेप में, ट्रायंगल शेप जहाँ जहाँ पर है वहाँ आपने येलो कलर फिल करना है। पर्पल आपने स्क्वायर में करना है, और रेक्टेंगल में ब्लू करना है, और स्टार में ग्रीन करना है। सो ये पेज आप अपने आप कंप्लीट करोगे। ओके किड्स, बाय बाय, टेक केयर।